देश भर से इकट्ठा हुए लगभग 2.5 लाख राम मंदिर समर्थक अयोध्या में घुसे तो जैसे इंसानों का रेला गलियों में सैलाब बनकर बह निकला। हर कदम तेजी से विवादित स्थल की ओर बढ़ रहा था। कई हाथों में धारदार हथियार थे लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। दोपहर होते होते विवादित स्थल पर अनियंत्रित भीड़ आक्रामक होती चली गई। राजनीति एक तरफ खड़ी अपने दांव चलती रही और राजनीति की बिसात पर बिछाए गए मोहरे अपनी चाल, और देखते ही देखते विवादित ढांचा मलबे में तब्दील हो गया और इसी के साथ देश की राजनीति धर्म के रंग में रंगती चली गई। तरफ पाकिस्तान करतारपुर राहदारी खोल रहा है, सिखों को फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन दूसरी जानी भारत जो है मुसलमानों का जीना उसने हराम कर दिया है। बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला आया भारतीय सुप्रीम कोर्ट से, जिससे मुसलमान दुनिया भर में शदीद नाराज हैं इस मुतसबाना फैसले के खिलाफ। फिजा बनाई गई, वो बाबरी मस्जिद के खिलाफ नहीं थी, वो इस्लाम के खिलाफ थी, वो मुसलमानों के खिलाफ थी, और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है वो भी बाबरी मस्जिद के खिलाफ नहीं है, वो फैसला इस्लाम के खिलाफ फैसला है, दुनिया भर के मुसलमानों के खिलाफ फैसला है, दुनिया भर की माइनॉरिटीज के खिलाफ ये फैसला है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आना कोई अचानक चीज नहीं है, बल्कि ये ऐसा लगता है कि जो मोदी हुकूमत है उसका जो है वो जो मुतासिबाना पॉलिसी हैं, इस्लाम कुश पॉलिसी हैं, और जो अकलियतों के ख़िलाफ़ वो जुल्म कर रहे हैं मुसलसल जो भारत के अंदर, उसी का ये जो है वो परतों नज़र आता है। अब ये देखें, बाबर के हुक्मरानी के वक्त 1500 कुछ की मस्जिद बनी हुई है यार, इतना धूल झोंक रहे हैं उसमें, और फिर सुप्रीम कोर्ट का कैसा उनका भारतीय कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का कैसा दो नंबर फैसला है। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सिंबल इंडिया के अंदर था, और मोदी जो कि ये कहता है कि सेकुलर इंडिया, पूरी दुनिया के अंदर उसने अपना जो है वो ये सेकुलरिज्म का नाम नया चेहरा जो है मसक किया है इस मामले के अंदर। ख्याली दुनिया जो है ना वो उजागर कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पर जो है वो राम की जन्मभूमि है, यानी क्या शवाहिद क्या है उसके? जिहाद है, उनके खिलाफ हम खड़े हुए, हमारी फौज जो है वो निकले, जो हमारे मिज़ाइल हैं किस काम के हैं, आज कश्मीर उनके पास है, आज 90 दिन से कश्मीर में जो है ना वहाँ पर कर्फ्यू का समय है, वहाँ पर हर चीज़ बंद पड़ी हुई है, और हमारे यहाँ के हुक्मरान जो है करतारपुर राहदारी खोल रहे हैं, अरबों खरबों का प्रोजेक्ट दिनों के अंदर उन्होंने मुकम्मल कर लिया, और यहाँ पे शेर कराची के अंदर ग्रीन बस का प्रोजेक्ट सालों से ज़्यादा वो खड़े लाइन लगा हुआ है। वो मुसलमानों को, सिखों को और ईसाइयों को निशाना बना रहा है, माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं, और एक गिलास से उन्होंने हिंदुस्तान को जो है हिंदू धर्म का मुल्क बना दिया है। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले को हम रद्द करते हैं, इसलिए कि जहां 400 साल से मस्जिद कायम हो, जहां नमाजें हो रही हैं, जहां कभी झगड़ा नहीं हुआ है, इसके ऊपर जो है कि ये राम मंदिर है, ये एक फंडा डाल के जिस तरह से राम मंदिर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और राम मंदिर के लिए फैसला करने का जो हुआ है, इसकी हम मजम्मत करते हैं, और हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से भी, कि वो अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के इदारों में जाए, मुसलमान ममालिक को OIC को जमा करें, और इस फैसले के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाए। एक तरफ पाकिस्तान करतारपुर की राहदारी खोलता है ताकि सिखों को फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन दूसरी जानब भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के खिलाफ खुली ज्यादती है, जिससे मुसलमानों के अंदर इश्तियाल पाया जाता है। कराची समेत मुल्क भर में जो हर शहरी मुख्तलिफ तबका है फिकर जो सरापा एहतजाज, उनका कहना है कि इस तरह की नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाबरी मस्जिद शुरू से ही एक मस्जिद की जगह थी, उसे ख़त्म किया जाना जो है खुली ज्यादती और नाइंसाफ़ी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी पड़ेगी, भारतीय हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना बंद करे, और मोदी की जो एक हुकूमत है मुतसबाना हुकूमत, उसका चेहरा जो है वो सबके सामने खुलकर आ चुका है कि वो एक सेकुलर हुकूमत नहीं है, वो सेकुलर रियासत नहीं है भारत, बल्कि एक तसुब पसंद
हिंदू रियासत है जहाँ सिर्फ हिंदुओं को की हमायत में फैसले किए जा रहे हैं। इस हवाले से मुसलमानों में भी शदीद एहतजाज पाया जा रहा है। मुजाहरीन का ये भी कहना था जो पाकिस्तानी शहरी हैं कि मुसलमान ममालिक जो इस्लामी सरबराह ममलिकत हैं वो भी होश के नाखून लें और मुसलमान दुनिया भर के मुसलमान हैं उनको सपोर्ट करने के लिए अपना हर अव्वल किरदार अदा करें। उनकी खामोशी जो है इस्लाम के लिए किसी भी तरह मुफीद नहीं। कैमरामैन निशान शेख के साथ जावेद इकबाल, राह न्यूज़, कराची।